डिटेल्ड प्लानिंग इन सब ने इस डॉक्टर्स की टीम ने की है। तो 100 केस तक, जैसा मैंने बताया कि अभी फिलहाल तैयारी है, 100 से जैसे ही बढ़ते हैं तो इन्होंने प्लानिंग करके दी है कि हमें 100 से बढ़ने पे इन इन अस्पतालों के अंदर और तैयारियां करनी है, ये प्राइवेट अस्पताल को हमें इंक्लूड करना है, ये एम्बुलेंसेज यहां यहां से आएंगी, ये वेंटिलेटर यहां यहां से आएंगी। तो 100 से बढ़ते ही फिर हम वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। एक तरह से एसओपी तैयार हो गया हमारा, एक तरह से पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। 100 से बढ़ने पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं, वो उसकी सारी तैयारी है। 500 पे बढ़ने हमें पे हमें ये स्टेप्स लेने हैं। इनमें अभी 100 तक की, जैसे मैंने कहा, हमारी पूरी तैयारी है। उस पे बढ़ने पे अब जो जो कमियां हमें नजर आ रही हैं कि भाई 500 के ऊपर बढ़ गए तो हमारे मान लो वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, तो उनकी अब जहां जहां हमें कमियां नजर आ रही हैं उन कमियों को हम सारी दूर कर रहे हैं। और इनकी प्लानिंग के हिसाब से 1,000 पेशेंट पर डे अगर बढ़ जाते हैं दिल्ली के अंदर, 1,000 पेशेंट पर डे, तो उसकी सारी तैयारी अभी हम करके चल रहे हैं, उस स्टेज की भी हम तैयारी करके चल रहे हैं। भगवान करे ऐसी स्थिति ना आए, मुझे उम्मीद है स्थिति नहीं आनी चाहिए। आज जो हम 4 पेशेंट 5 पेशेंट भी हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये भी कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। उसी स्थिति, ये लॉकडाउन जो किया है उसको कम करने के लिए किया, बढ़ने के लिए नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर बढ़ता है तो हमें तैयार तो रहना चाहिए ना, तो उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। दूसरा है जो बहुत गरीब तबका है, सबसे गरीब तबका, जैसे मैंने बताया कि एक तरफ तो राशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है, घर में बिल्कुल अब चूल्हा जलना बंद हो गया है, ऐसे लोगों को सरकार खाना बना के खिला रही है। तो अभी तक हम लोग डेली 20,000 लोगों को अपने रैन बसेरों में खाना खिला रहे थे। हमारे 224 रैन बसेरे चल रहे थे अभी तक, लेकिन हमने देखा वो बहुत कम पड़ते जा रहे थे, डेली संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। 224 रैन बसेरे भी कम पड़ रहे थे, और कई जगह से खबर आ रही थी कि यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग भूखे हैं, यहाँ भी लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वीडियो भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जो लोग बता रहे थे कि जी हम भूखे हैं, यहाँ पे खाना नहीं है। तो इसको हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर आज से हम बढ़ा रहे हैं। हमने 325 स्कूलों के अंदर आज से लंच और डिनर देने का इंतजाम किया है। 325 हर स्कूल में कम से कम 500 500 लोगों के खाने का इंतजाम, दोनों टाइम 500 500 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। जो एग्जिस्टिंग रैन बसेरे थे उन रैन बसेरों के अंदर भी हमने खाना बढ़ाया है। तो आज से, अब कल तक हम 20,000 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, आज से ये संख्या बढ़ के लगभग 2,10,000 गुना आज से बढ़ा रहे हैं। 2 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे, और ये संख्या कल से बढ़ के डबल हो जाएगी। कल से हम 4 लाख लोगों को डेली हम खाना खिलाया करेंगे, और इसको भी हम जगह जगह पूरी दिल्ली के अंदर इन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर चल के ना आना पड़े। मैंने अपने सभी एमएलएज को बोला है कि सभी एमएलएज की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वो समाज के साथ मिलके इंश्योर करें। सरकार तो अपनी व्यवस्था कर ही रही है, समाज को, जैसे मैंने बार बार कहा, समाज को भी सामने आना पड़ेगा। समाज के साथ मिलके कोशिश करें कि कोई भूखा ना सोने पाए। जहां जहां और व्यवस्था करने की जरूरत है खाने की व्यवस्था करें, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना तो खिला दें और कोरोना वहीं से फैलना चालू हो जाए, ये लॉकडाउन सारा बेकार हो जाएगा। अगर हमने ये सेंटर्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की और यहाँ पे अगर कोरोना फैलना चालू हो गया, तो हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। मैं अभी देख रहा था जो जो हमारे रैन बसेरे हैं वहाँ पे मीडिया के लोग भी गए थे, वहाँ बहुत अच्छा इंतजाम चल रहा है, वहाँ पे सोशल दूर दूर बिठा बिठा के लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, मास्क वास्क पहन के सब अच्छे से कर रहे हैं। कई सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं साथ आई हैं, इस्कॉन वाले बहुत मदद कर रहे हैं, राधा स्वामी वाले बहुत मदद कर रहे हैं, गुरुद्वारे वाले बहुत मदद कर रहे हैं, वो सरकार की भी मदद कर रहे हैं और खुद भी काफ़ी चला रहे हैं। और भी मैं किसी का अगर नाम लेना भूल गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बहुत सारे और लोग बहुत मदद कर रहे हैं। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से जनता की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
इन दिनों में, पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के भी सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे थे। उधर ममता दीदी भी कह रही थी, वो कह रहे थे जी झारखंड के जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनका ख्याल रखिए। ममता दीदी कह रही थी बंगाल के जितने लोग रह रहे हैं, यूपी वाले भी, बिहार वाले। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के सीमाओं के अंदर जो जो व्यक्ति रह रहे हैं उन सब लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। वो सब हमारे हैं, वो झारखंड के हो सकते हैं, चाहे बिहार के हो सकते हैं, चाहे यूपी के हो सकते हैं, चाहे तमिलनाडु के हो सकते हैं, चाहे केरला के हो सकते हैं, कहीं के हों, वो हैं दिल्ली के। वो अब हमारे हमारे साथ हैं, वो हमारे हैं अब, उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो एक-एक व्यक्ति को हम ख्याल रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में कुछ जगह दिक्कतें आई थी, जैसे मैंने बताया कि खाने पीने की दिक्कतें आ रही थी। अब इसको हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ा रहे हैं, किसी को भी खाने की दिक्कत नहीं होने देंगे। और सभी राज्यों के, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है, और पूरे देश से लोग आके यहाँ पे रहते हैं। मैं देश के सभी अन्य राज्यों को, उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो भी रह रहा है उसको हम किसी कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम तकलीफ हो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, ये समय बहुत कठिन समय है, सबको तकलीफें हो रही हैं, सब तकलीफों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि सबको कम से कम तकलीफ हो। धन्यवाद।